हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे पास ये सोनी का सिस्टम फिर से सेम मॉडल आया है रिपेयरिंग के लिए, और सेम फॉल्ट जो हमने पिछली वीडियो में भी हमने इस फॉल्ट को रिपेयर किया था, जिसमें कि ऑन करने पे मैक एरर लिखा हुआ था। देखिए, इस वीडियो में हम और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे इस फॉल्ट को। ये देखिए, टक टक की आवाज़ आती है और इसके बाद ये मैक एरर लिखा हुआ था। ये देखिए, सिस्टम ऑन है, इसके अंदर एक टक टक की आवाज़ आती है, कुछ टाइम बाद तो मैक एरर आता है और ये स्टैंड बाय में चला जाता है। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसमें कैसे फॉल्ट निकलेगा। तो हमने ये सिस्टम ओपन कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, दोनों साइड के फ्रंट खोल लिए और ये ऊपर से इस फ्रंट को ऊपर उठा लिया है। ठीक है, तो अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये हमारा स्टैंड बाय में आ गया और यहाँ देखिए, इसकी मोटर स्पिन नहीं कर रही है। ठीक है, और ये स्टैंड बाय में आ गया, मैं कह रहा था लिख के इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे। देखिए, इसकी मोटर स्पिन नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट चेंज करके देखेंगे, ये बेल्ट बहुत लूज है। तो इसमें भी पहले किसी ने कोशिश की हुई है, ये बेल्ट है, इसमें टेप लगाई हुई थी, टेप लगा के कभी बेल्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती। देखिए, इसकी जगह हमारे पास कुछ बेल्ट्स हैं, तो अब इसको देखते हैं इसके साइज़ की लगानी है हमें। तो हम ये वाली बेल्ट लगाएंगे इसके साथ, थोड़ी सी हल्की सी टाइटी होनी चाहिए। देखिए, फ्लेक्सिबल है लेकिन ये। तो ये हमने बेल्ट सेट कर दिया इसके अंदर। ये देखिए, हल्का सा है, इसमें ये फ्लेक्स रहना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। चलिए इसको अब चेक करते हैं लगा के। इसके दो कनेक्टर निकालने होते हैं, ये निकाल दिया और एक ये निकाला है। ठीक है, अब ये लगाएंगे और इसके साथ इसको चला के देखते हैं। ऑन करेंगे, देखिए हमारा मैक एरर नहीं आया अभी, ओके हो गया। हमारा इसमें मैक एरर नहीं आ रहा है, एफएमडी साउंड आ रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।